हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नए YouTube वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एबीबास के स्पोर्ट्स के वॉच में अलार्म सेट करना सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास एबीबास के स्पोर्ट का वॉच है तो इसमें चार बटन मिलते हैं, पहला लाइट का, दूसरा मोड का, तीसरा स्टार्ट का और चौथा रेसेट का। ठीक है, तो अलार्म सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मोड आई बटन को दो बार दबा देना होगा। ठीक है, जब एक बार दबाएंगे तो हमारा स्टॉप वॉच आ जाएगा, दो बार दबाएंगे तो हमारा अलार्म सेट करने वाला आ जाएगा। ठीक है, तो अलार्म सेट करने के लिए हमारे क्या करना होगा, सबसे पहले आप देख लें ALL अलार्म, ALM अलार्म। ठीक है, PM कुछ नहीं लिखा है तो AM में है, और अगर PM लिखा है तो PM में है ही। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि अलार्म सही तरीके से कैसे सेट होता है और अलार्म को आपको बजा के भी दिखाऊंगा। PM AM को देख के ही अलार्म सेट करना होगा। AM की जगह अगर PM में सेट कर दिया तो फिर अलार्म आपका टाइमिंग नहीं बजेगा, सुबह का अगर सेट करेंगे तो वो शाम का बजेगा। ठीक है, तो अलार्म सेट करने के लिए हमारे को एक बार दबाएंगे तो हमारा स्टॉप वॉच आ जाएगा, दो बार दबाएंगे तो हमारा अलार्म आ जाएगा। अभी हमारा 5 बज रहा था तो मैं आपको 5:02 पर अलार्म लगा के और आपको बजा के दिखाऊँगा। जब इस टाइप की आ जाए, ये फंक्शन आ जाए, तो क्या करना हो, एक बार रीसेट को दबा देना है। जब रीसेट को दबाएंगे तो हमारा घंटे वाला ब्लिंक करने लगेगा, स्टार्ट की मतलब इसको कर लेंगे 5। ठीक है, 5, उसके बाद एक बार रीसेट को और दबाएंगे तो हमारा मिनट वाला ब्लिंक करने लगेगा, स्टार्ट की मतलब इसको कर लेंगे 2। ठीक है, ये हम इसको कर लेंगे 2, ये हमने कर लिया 2। दोस्तों देखिए, 5:02 हो रहा है लेकिन अलार्म नहीं बजा, क्योंकि ये AM में है। ठीक है, और हमारा टाइमिंग जो हो रहा है वो PM में है। तो हम क्या करेंगे, एक बार रीसेट को और दबाएंगे। ठीक है, एक बार रीसेट को और दबाएंगे तो हमारा घंटे वाला बिलिंग करेगा, स्टार्ट में से इसको कर लेंगे PM में, PM अभी PM में हो गया, हम इसको कर लेंगे 5। उसके बाद मोड वाले बटन को दबा देंगे। अब हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी अलार्म बज रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो के लिए तक।